हेलो फ्रेंड्स, आज हम चौथी छाती के लिए ब्लाउज पीस का कटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ब्लाउज पीस जब कटोरी कट करना होता है तब हम पेपर की कटिंग सबसे पहले करके लेते हैं। यहाँ पे हमने कटोरी बढ़ा लिया है, यह है कटोरी की साइड, कटोरी की बाजू वाला हिस्सा, बैक साइड और ये क्रॉस कट। इनका इस्तेमाल करके हम ब्लाउज पीस कट कर देते हैं। ब्लाउज पीस के हमने ये डबल फोल्ड कर दी है। इस हिसाब से हम कुछ इस तरह से सभी जो पार्ट्स है वो पार्ट्स हम यहाँ पे रख देते हैं। अब हम इसको साइड से बॉर्डर करते हैं और बाद में कट कर देते हैं। अब इस मार्किंग पर हम ब्लाउज पीस ये कट कर देते हैं। ये सभी पार्ट्स हमने कट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर देते हैं। स्लीव्स के लिए हम फोल्ड लेने वाले हैं 8.25 इंच की, और जो स्लीव्स की हाइट है वो है 7 इंच, तो इसमें आधा इंच मिला के हम 7.5 इंच पर मार्किंग कर ये कुछ ऐसे। अब ये जो ओपन साइड है यहाँ से हम नीचे की तरफ 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से स्लीव्स को आकार देने वाले हैं। ये जो कम कपड़ा था वो इस कटिंग में चला गया, इसी के कारण हम ब्लाउज पीस का जो कपड़ा है उसकी बचत भी कर सकते हैं। अब हम ये जो शेप है वो कट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ओपन साइड है वहां से हम 1/2 इंच और एक राउंड बनाने वाले हैं, वो राउंड आएगा फ्रंट साइड के लिए कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे मार्किंग भी कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे जब स्लीव स्टिचिंग करेंगे तब इसका हमें उपयोग हो। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत ही आसान तरीके से 34 इंच के लिए कटोरी का ब्लाउज पीस कटिंग के वो देखा।